गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराधा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट कन्या महाविद्यालय खरकोदा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम टेम्पलेट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि टेम्पलेट्स हमारी टू टाइप्स की होती हैं, क्लास टेम्पलेट्स एंड फंक्शन टेम्पलेट्स। एंड हमने क्लास टेम्पलेट्स का एक सिंपल एग्जाम्पल किया था। आज हम करेंगे क्लास टेम्पलेट्स का एग्जाम्पल विद मल्टीपल पैरामीटर्स, यानी कि हम जो टेम्पलेट्स बनाएंगे वो एक से ज़्यादा बनाएंगे। टेम्पलेट्स टाइप की डाटा टाइप्स हम यहाँ पे टू बना रहे हैं, T1 और T2। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, देन आपका टेम्पलेट कीवर्ड। हमने क्लास टेम्पलेट्स बनाई T1 और T2, तो हमने दो टेम्पलेट्स टाइप की टाइप्स बनाई हैं, T1 और T2। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स पे काम कर रहा है। फिर हम एक नॉर्मल क्लास बना रहे हैं, टेस्ट क्लास। दोनों जो हमने दो टाइप्स बनाई थी, T1 और T2, दोनों तरीके के वेरिएबल्स ले रहा है, एक का A और एक का B। फिर देखिए, इनकी हमने ये नहीं बताया कि ये किस तरीके की, इनकी एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, पब्लिक होगा प्राइवेट होगा, नहीं दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा हमारा, प्राइवेट। तो A और B दोनों वेरिएबल्स कैसे होंगे हमारे, प्राइवेट होंगे। प्राइवेट मीन्स जो क्लास की ब्रेसेस शुरू हो रही हैं, जो क्लास की ब्रेसेस क्लोज हो रही हैं। इसके अंदर तो ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इससे बाहर ये यूज़ नहीं हो सकते। फिर हम पब्लिक मतलब उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। पब्लिक सेक्शन में हम टेस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं इसी क्लास का। क्लास का नाम भी क्या था, टेस्ट। कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है, टेस्ट। क्योंकि हमने कहा था जब कंस्ट्रक्टर की बात की थी, जो फंक्शन होगा उसका नाम क्लास के नाम जैसा होगा। अब ये दोनों तरीके की वैल्यू ले रहा है, T1 टाइप की भी और T2 टाइप की भी। जो T1 टाइप का एक्स है उसे तो A में डाल रहा है, क्योंकि देखो A की टाइप क्या है, T1। और जो T2 टाइप का वाई है उसकी वैल्यू किस में डाल रहा है, बी, क्योंकि बी किस टाइप का है, T2 टाइप का। रन टाइम पे जो वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यू को जो T1 टाइप की आएगी उसे A में डाल देगा, जो T2 टाइप की आएगी उसे बी में पास करने का काम करता है ये टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हम एक शो नाम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वो ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है और बी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। जो ए में वैल्यू होगी उसे प्रिंट कराएगा और जो बी में वैल्यू होगी उसे प्रिंट कराएगा। इंटीजर टाइप मेन फंक्शन में हम जो टेस्ट क्लास है उसका सबसे पहले test1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमें उसे एज ए पैरामीटर कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। तो वो वैल्यू किस तरीके की पास कर सकते हैं, देखिए उनकी टाइप क्या है, टेम्पलेट्स है। क्योंकि जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई दोनों की टाइप कैसी है, टेम्पलेट्स हैं, तो हम उनके अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो पहले मेंशन करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट बनाए कि वो किस तरीके की वैल्यूज़ लेगा। तो हम test1 ऑब्जेक्ट के लिए मेंशन कर रहे हैं कि पहली वैल्यू फ्लॉट लेगा, सेकेंड वैल्यू इंटीजर लेगा। तो पहली वैल्यू हमने फ्लॉट पास की 123, सेकेंड वैल्यू हमने इंटीजर पास की 123। तो जो हमने पहली वैल्यू फ्लॉट पास की थी वो किस में चली गई, ए में, 1.23। देन दूसरी वैल्यू जो हमने वाई में पास की थी वो किस में चली गई, बी में, 123। फिर हमने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है test2 नाम का। अब वो किस तरीके की वैल्यूज़ पे वर्क करेगा ये मेंशन कर रहे हैं। पहला जो आपका टेम्पलेट होगा एक्स, उसकी वैल्यू इंटीजर होगी, दूसरे की वैल्यू कैसी होगी, कैरेक्टर होगी। तो पहले में हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 100। दूसरे में एज ए कैरेक्टर क्या पास कर रहे हैं, W। फिर हम test1 के थ्रू शो को कॉल कर रहे हैं, test1 के थ्रू कॉल करेंगे। तो test1 में हमने मेंशन की थी पहली टाइप फ्लॉट होगी, दूसरी टाइप इंटीजर होगी, और रन टाइम पे हमने वैल्यू पास कर दी थी ए में 1.23 और बी में 123। तो देखिए शो जब कॉल हुआ तो शो क्या कर रहा था, जस्ट ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा रहा था। तो ए में क्या था, 1.23 और बी में क्या था, 123। दूसरा test2 के थ्रू शो को कॉल करते हैं, test2 के थ्रू कॉल करेंगे। तो हमने देखो पहली वैल्यू क्या पास की थी, इंटीजर टाइप की, दूसरी कैसी पास की थी, कैरेक्टर टाइप की। तो ए में क्या था, 100 और बी में क्या था हमारा, W। शो ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा किसके लिए, test2 नाम के ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 100, दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी आपकी, W। नेक्स्ट इज योर फंक्शन टेम्पलेट्स। फंक्शन टेम्पलेट्स यानी कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो जेनरिक टाइप से वर्क करेगा, यानी कि जिसकी जो पैरामीटर्स होंगे वो कैसे होंगे, जेनरिक्स होंगे। देखिए हमने वही जो सिंटैक्स पढ़ा था फंक्शन टेम्पलेट्स के लिए, पहले टेम्पलेट्स कीवर्ड, देन क्लास टी नाम की हमने क्या बनाई है, एक टेम्पलेट बनाई है। टी हमारी जो टाइप्स होगी वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लॉट, कैरेक्टर, जो भी आप देना चाहें वो हो सकती है। फिर हमने स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया है, वो टी टाइप का रेफरेंस ले रहा है। देखिए एड्रेस ऑपरेटर अगर हम लगा रहे हैं तो जो वैल्यू इसके पास आएगी उसका एड्रेस लेगा, ना कि उसकी
कॉपी, फिर जो वाई में आ रही है वो भी रेफरेंस है, यानी कि जो वैल्यू आप रन टाइम पे पास करोगे उसकी कॉपी वाई के अंदर आएगी, सॉरी उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस वाई के अंदर आएगा, उसकी कॉपी वाई के अंदर नहीं आएगी। जब हम नॉर्मल कॉलिंग करते हैं, मान लीजिए हम ऐसे लिखते void swap t टाइप का x और t टाइप का y, अगर हम ऐसे लिख देते तो जो रन टाइम पे वैल्यू पास होती उसकी एक कॉपी बनती, जो पहले पैरामीटर की कॉपी थी वो x में आ जाती, जो दूसरे पैरामीटर की कॉपी थी वो y में आ जाती। लेकिन अब की बारी हम सीधा एड्रेस ले रहे हैं, यानी कि जो पहले वेरिएबल, जो हम पहला वेरिएबल ऐसे पैरामीटर इसे पास करेंगे उसका एड्रेस x में आएगा, जो दूसरा पैरामीटर एज एड्रेस दूसरा पैरामीटर पास करेंगे उसका एड्रेस वाई में आएगा, यानी कि उसी एक्चुअल कॉपी पे ये वर्क कर रहा होगा। फिर आप क्या कर रहे हो, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हो टी टाइप का, एक्स और वाई की वैल्यू को आपस में स्वैप कर दे रहे हो। देखिए फंक्शन हमारा चार पैरामीटर ले रहा है, एफ फन नाम का फंक्शन है, एक इंटीजर टाइप की, दूसरी भी इंटीजर टाइप की और फ्लॉट टाइप की ए और बी ले रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, एम और एन को बिफोर स्वैप नाम की स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहा है, देन एम और एन की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, देन आपकी स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहा है, ऐसे ही फिर ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, फिर उसके लिए स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर स्वैपिंग के बाद की वैल्यू उसको प्रिंट करा रहा है। देखिए कैसे वर्क करेगा ये, हमने फन नाम का फंक्शन मेन फंक्शन में बनाया है, उसमें चार पैरामीटर पास किए, पहले दोनों कैसे हैं इंटीजर, दूसरे दोनों कैसे हैं हमारे फ्लॉट, तो एम में क्या आएगा हमारा 100, एन में क्या आएगा हमारा 200, ए में क्या आएगा 11.22 एंड बी में क्या आएगा 33.44। अब ये क्या कर रहा है, पहले एम और एन की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है स्वैपिंग से पहले, तो एम में क्या था हमारा 100, तो 100 प्रिंट हो जाएगा, बी में क्या था 200, तो 200 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब स्वैप फंक्शन को कॉल करेगा, देखिए वो जेनरिक टाइप पे वर्क कर रहा है, उसकी टाइप कैसी भी हो सकती है, तो यहाँ पर उसे कैसी वैल्यू पास करें, एम और एन की वैल्यू कैसी थी इंटीजर, तो एक्स में जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप की होगी, वाई में जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप की होगी, लेकिन जो वैल्यू एम और एन की थी आपने उसकी कॉपी नहीं बनाई है, एज इट इज एम का एड्रेस तो एक्स को भेजा है, एज इट इज वाई में एन का एड्रेस भेजा है, यानी कि जिस वैल्यू को एक्स पॉइंट करेगा उसी को एम पॉइंट करेगा, जिसको वाई पॉइंट करेगा उसी को एन पॉइंट करेगा। अब इसने क्या किया, स्वैप फंक्शन ने एम की वैल्यू को एन में कर दिया और एन की वैल्यू को एम में कर दिया, चेंज कर दिया। अब एम और एन में चेंज हुआ एक्चुअली, है ना, क्योंकि हमने उसका एज इट इज एड्रेस पास किया था, तो अब एम और एन की वैल्यू को आफ्टर स्वैप प्रिंट करवा रहा है, तो एम और एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एम और एन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो 100 एंड आपका 100। अब क्या कर रहा है, फिर ए और बी की वैल्यू को पहले स्वैपिंग से पहले प्रिंट करवा रहा है, स्वैपिंग से पहले क्या थी 11.22 एंड 33.44। अब क्या कर रहा है वो आपका, कि स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहा है ए के लिए और बी के लिए। अब की बारी देखिए, ए की वैल्यू क्या थी फ्लॉट, बी की वैल्यू क्या थी फ्लॉट, अब वो एक्स को फ्लॉट वैल्यू दे रहा है, वाई को फ्लॉट वैल्यू दे रहा है। पहले जब कॉल किया था तो कैसी दी थी दोनों को, इंटीजर, लेकिन अब की बारी कैसी दे रहा है फ्लॉट। तो टेम्पलेट्स तो दोनों तरीके पे, हर तरीके की डाटा टाइप पे वर्क कर सकती है, इसीलिए पहले इसने इंटीजर पे वर्क किया था, अब किस पे वर्क कर रही है हमारी, फ्लॉट पे वर्क कर रही है। तो अब ये उन दोनों फ्लॉट्स वैल्यू को आपस में चेंज करेगा और चेंज करने के बाद रिजल्ट प्रिंट करवा रहा है, तो पहली वैल्यू क्या आएगी 33.44 एंड सेकेंड वैल्यू क्या आएगी 11.22। तो इस तरीके से हम इसे वर्क कराएंगे। टेम्पलेट्स यानी कि वो किसी भी तरीके की डाटा टाइप्स आपकी ले सकता है। और देखिए पहले दो पैरामीटर के लिए हमने इंटीजर दी थी, सेकंड पैरामीटर्स के लिए हमने फ्लॉट दी थी, और स्वैप फंक्शन के अंदर हम जो स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो जो पैरामीटर पास कर रहे थे एम एन या फिर ए बी, उनका एड्रेस एज इट इज़ पास कर रहे थे, एड्रेस रेफरेंस पास कर रहे थे, ना कि उनकी कॉपी। अगर कॉपी पास करते तो वैल्यू इस तरीके की आती, और इस तरीके की आती तो वो एक्स और वाई में चेंज करता, ना कि एम और एन और ए और बी में। अब की बार रेफरेंस दिया है, इसीलिए एम और एन में चेंज हो रहा है, ए और बी में चेंज हो रहा है।